अभी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आजम तेरा एहसान है एहसान। बाबाए कौम कायद आजम मोहम्मद अली जिना की 73वीं बरसी आज अकीदतो एहतराम के साथ मनाई जा रही है। कायद आजम की वलवला अंगेज क्यादत में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अलग वतन हासिल किया और आज़ादी पाई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर के दौरान मस्बत केसेस की शरह 1.5 माह बाद 6% से नीचे आ गई। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 5.5% रही। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 82 अफराद इंतकाल कर गए। फैसलाबाद में मस्बत केसेस की शरह 12%, लाहौर में 11% और रावलपिंडी में 10% रही। लाहौर में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। लक्ष्मी चौक में 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शकरगढ़, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जमकर बारिश हुई। नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। कसूर में बारिश के बायस छत गिरने से 2 बच्चे जान बहक। नूर मुकदम केस में जाहिर जाफर ने इतराफी बयान दे दिया। DNA रिपोर्ट्स में मकतूला से ज्यादती भी साबित हो गई। इतराफी बयान में जाहिर जाफर ने इंकशाफ किया कि नूर मुकदम ने शादी से इनकार किया था। वालिद को कत्ल की इतला दी तो उन्होंने कहा घबराने की जरूरत नहीं, उनके बंदे लाश ठिकाने लगा देंगे। पुलिस ने नामुकम्मल अबूरी चलान अदालत में पेश किया। मारूफ अदाकार उमर शरीफ की तबीयत खराब, कराची के निजी अस्पताल में दाखिल। अहलिया का कहना है उमर शरीफ के लिए 1-1 मिनट कीमती है। अमेरिका में इलाज के लिए बजरिया त्यारा ही ले जाया जा सकता है। वजीरे आजम ऑफिस से कहा गया है कि वीजे की कोशिशें की जा रही हैं, उम्मीद है वीजा जल्द जारी होगा। उमर शरीफ को अमेरिका मुंतकिल ना किया गया तो यहाँ ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगी जो नुकसानदेह साबित हो सकती है। कंटोनमेंट बोर्ड में बलदियाती इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स, पोलिंग के दीगर सामान की तकसीम जारी। मुल्क भर में 42 कंटोनमेंट बोर्ड में बलदियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल, कई मकानों, फसलों और फलदार दरख्तों को शदीद नुकसान पहुँचा। जिला गिजर में लैंड स्लाइडिंग के बायस दरियाए गोबिस का बहाव रुक गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हुपर के मकाम पर आरजी झील बनने से गिलगित शंदूर रोड का 500 फीट का हिस्सा जेरे आब आ गया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश से कई मकामात पर राबता सड़कें रेले में बह गईं, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना।